सर, आपने राज केसरी के बारे में काफी नाम सुना है, तो थोड़ा सा सबसे पहले तो आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम हरिंदर सिंह ढिल्लों है जी। अच्छा। मेरा विलेज का नाम है जो बरसाल है, तहसील जगरावां, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, पंजाब से बिलोंग करते हैं हम। अच्छा। हाँ जी, तो थोड़ा सा हमें राज केसरी के बारे में बताइए, किसके जो करेक्टर्स है उसके बारे में, इसकी हाइट के बारे में। बिल्कुल जी, ये हमारे पंजाब की फेमस ब्लड लाइन है, मज्जू का ब्लड लाइन, तो उससे बिलोंग करता है। इसके बाप का नाम है नाग है, और इसके दादा का नाम ग्रैंडफादर है जो, तो उसका नाम एडम है, तो मज्जू के लाइन से बेसिकली बिलोंग करता है। अच्छा, हाइट कितनी हुई? हाइट इसकी 66 है जी। अच्छा, 66 है। हाँ जी। और उम्र कितनी है जी? उम्र इसकी है जी 6 साल। 6 साल। हाँ जी। तो इनके जैसे बच्चे की कुछ रिपोर्ट भी? बिल्कुल है जी, बहुत अल्टीमेट आए हैं। इसकी माँ बहुत ब्रूड मेयर है, बहुत अच्छी मेयर है, तो माथे में ब्लेज है उसके, दो पैर आगे वाले सफ़ेद है, और बहुत अच्छी ब्रूड मेयर है। इसके बच्चों में भी ब्लेज आ रहे हैं प्रॉपर, और दो पैर पीछे वाले बाइट पूरी प्रॉपर मार्किंग में बच्चे दे रहा है। और अभी मेरे पास गोड़ियाँ, मतलब मेरे फार्म पे 2 महीने तक इसके बच्चे आने, रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे। अच्छा। देखो सर, राज केसरी का नाम सुना है, बहुत फेमस एनिमल है, तो हमारे को इसके बारे में कुछ क्वालिटी के बारे में या कुछ अद्भुत चीज़ के बारे में बता सकते हो कि ये सबसे डिफरेंट घोड़ा कैसा है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये होती है, हर एक आदमी जो भी रखता है घोड़ा, अपनी समझ, हाँ बेटा, हाँ, अपनी समझ के हिसाब से अच्छा ही रखता है। बाकी हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, तो उसके लिए मतलब जो मैं अपना पर्सनली बताऊं, तो मेरे को ये मज्जू के लाइन के घोड़े ही पसंद है। अच्छा। क्योंकि एक तो इनका जो मतलब मान लो कि बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रांग है, बॉडी में भी स्ट्रांग है, निडर हैं जिसको बोलते हैं पंजाबी में हम, के दलेर हैं घोड़े। अच्छा। कहीं से भी इनको निकालो, जितनी मर्जी राइड करो, थकते नहीं है, बहुत मतलब स्टेमिना बहुत है। तो बाकी इनकी जो अदा है वो अलग है सबसे। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे को ये लाइन पसंद है जी। बाकी मैंने वही बोला कि जो भी रखते हैं सब अपनी समझ से अच्छी रखते हैं। पूरे पुष्कर फेयर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ जी, तो क्या कहना चाहोगे आप इसके लिए? तो जी, ये मैं यही बोलूँगा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे को भगवान ने ऐसा तोहफा दिया है, तो मेरे को भी इसकी केयर करने में मज़ा आता है। तो नाम इसकी बदौलत आज मेरा हॉर्स वर्ल्ड में नाम है। अच्छा। इनके कुछ रिकॉर्ड जैसे रिंग वगैरह, विनर वगैरह कुछ रहा जी? पहले हुआ है, ये टू टाइम विनर है। तो हमारा क्या होता है, हमारे को शौक़ नहीं है रिंग में उतारने का। अच्छा। तो ये है कि मतलब मेले में जाता है तो मेला इसके पीछे होता है, तो अपना सब कुछ वसूल हो जाता है। बिल्कुल राइट बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आप इनकी कीमत क्या मान के चलते हो? नहीं, कीमत जी मेरे लिए तो ये प्राइस लेस है, अनमोल हीरा है। फिर भी जैसा अपने कि हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। बिल्कुल। तो हम कीमत नहीं बता रहे हैं, एक वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। वैल्यू इनकी, इनका कोई MRP तो है नहीं है जी। जो चीज़ ही विलक्षण है, जो सबसे अलग है, उसकी कीमत का तो कोई बोला ही नहीं जा सकता। मेरे लिए तो अनमोल हीरा है, सॉरी। आपसे नहीं पूछ रहा मैं, लेकिन एक लोगों के जरिए से पूछ रहा हूँ कि एक लोगों के सामने एक चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन फिर भी एक अपन एक चीज़ कोई कीमत या वैल्यू तो मान के चलते हैं कि अनमोल तो है, लेकिन जैसे हीरा भी होता है तो उसकी भी कीमत होती है, तो आप इसकी कोई कीमत तो मान के चल रहे हो कि ये कीमत हो सकती है इस चीज़ की? इसके लिए जी मैं यही बोलना चाहूँगा फिर भी कि ये मेरी प्लेयर है, इट इज़ माई प्लेयर, कि गॉड ने मेरे को ये गिफ्ट दिया है। मेरे को बोलना मतलब बोलने में मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने ना तो बेचना है, तो मेरे लिए अनमोल है, मेरा नाम किया है इसने, तो सॉरी मैं ये कुछ मैं नहीं बोल सकता, आप पब्लिक के व्यू ले सकते हो। नहीं, पब्लिक का व्यू तो ऐसा है कि 10 करोड़ के ऊपर इसकी वैल्यू जा रही है। मैंने आज तक मैं एक आपसे बात क्लियर करना चाहता हूँ, कई बार गलत कमेंट्स भी आते हैं, तो मेरे को उनका कोई मेरे को वो भी नहीं रहता है, जो करते हैं चलो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए भी करते हैं, अपने दिल की बात निकालते हैं, लेकिन एक बात बोलूँगा, मैंने 10 करोड़ रुपये मेरे मुँह से किसी ने सुने हो तो बोले, मैं सबको यही बोलता हूँ कि ये जो घोड़ा है अनमोल है मेरे लिए। मतलब पब्लिक भी आती है, सब देखते हैं, सब पार्कू लोग आते हैं इधर, घोड़ा खुद अपने आप बोलता है कि मैं क्या हूँ, इसीलिए पब्लिक इसकी दीवानी है। तो सो वही बात आ गई घूम फिरा के कि अनमोल हीरा है मेरे लिए। राइट बात। तो इस लाइन में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ब्रीड होती है या फिर उसकी केयर होती है?
नहीं, केयर मतलब सबसे पहली बात तो ये है जी, अगर अच्छी चीज लेंगे, अच्छी ब्रीड का जानवर ब्लड लाइन का लेंगे, अगर उसकी केयर नहीं करेंगे तो बन नहीं पाएगा। मतलब अच्छी क्वालिटी का बच्चा या बच्ची या कुछ भी घोड़ा घोड़ी लिया है, उसकी केयर भी उतनी जरूरी है ना। अच्छा, हाँ जी, आपके फार्म में भी कितने घोड़े हैं? मेरे पास ये स्टैलियन एक है, बाकी बच्चे हैं जी, तो बच्चियाँ हैं करीब 15 के करीब घोड़ियाँ हैं जी। अच्छा, हाँ जी, तो सभी मेल है फीमेल है? नहीं, मेल तो 3 बच्चे ही हैं, बाकी फीमेल बच्चियाँ हैं कुछ, मतलब कुल मिला के मेरे पास 15 जानवर हैं फार्म पे। अच्छा, तो हम आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे, जो घोड़ा पालक उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आप इस लाइन से काफ़ी पुराने हो और आपके पास 80 ब्रीड के हॉर्स हैं, तो क्या कहना चाहोगे उनको लास्ट? मैं तो जी सबको, मेरा सभी घोड़ा पालक भाइयों को मेरा एक ही संदेश है, मेरा दिल से संदेश है कि कुछ भी रखना है अच्छा रखो, वैसे सब अच्छे ही रखते हैं अपनी समझ से, कोई मैं ये नहीं बोलता हूँ किसी को, अगर अच्छा रखेंगे अच्छी आउटपुट निकलेगी, यही मेरा संदेश है। तो और तो बाकी पब्लिक जी आजकल सब समझदार है। सर आपके कॉन्टैक्ट नंबर? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7973800093, 7973800093। ओके, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। वेलकम जी। ओके।